डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज प्रार अहमद। आज जो हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे उनमें नंबर वन है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व, जो कि सिर्फ 7.8 बिलियन डॉलर रह गया है। और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी की वजह से जुलाई के अंदर इन्फ्लेशन रेट 24% तक रिकॉर्ड किया गया है। और अब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात यह है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उन्होंने 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबों के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान किया है और इसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। नेक्स्ट, यूएई के अंदर अफगान महाजरीन जो के वहां पनाह लिए हुए हैं, उन्होंने यूएई के दफातर के सामने ये एहतजाज किया है कि उनकी आबादकारी का प्रोसेस इंतहाई स्लो है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अफगान हुकूमत को आए 1 साल हो गया है, लेकिन उनकी जो परेशानियां हैं वो वहीं की वहीं हैं। लेकिन वो यूएई के अंदर इसलिए आए थे कि उन्हें यहाँ सपोर्ट दी जाएगी, लेकिन यहां उन्हें बहुत ज्यादा मसाइल का सामना। नेक्स्ट, यूक्रेन को सोवियत यूनियन से आजाद हुए आज 24 अगस्त के दिन 31 साल मुकम्मल हो गए हैं और अब वो आजादी की आज खुशी मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही वो रशिया के साथ दोबारा अपनी एक नई जंग लड़ रहे हैं, जिसे वाशिंगटन हवा दे रहा है। नेक्स्ट, यूएन के चीफ, उन्होंने इस्लामाबाद को इस बात पर इंसिस्ट किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है उन पर चेक एंड बैलेंस रखे, और इमरान खान के साथ जो केसेस बनाए जा रहे हैं उनमें इंसानी बुनियादी हकूक की हक तलफी ना हो। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कतर के दौरे के दौरान उस स्टेडियम का विजिट किया है जहां इस साल फीफा 2022 का वर्ल्ड कप होना है। और इस साल फीफा 2022 का वर्ल्ड कप जिस स्टेडियम में होगा उसका नाम 974 है, और ये कतर के दारुल हुकूमत दोहा के अंदर वाकया है।